मैंने एक दिन में $102.97 अर्न किया है क्लिकबैंक और इंस्टाग्राम फ्री ट्रैफिक को यूज़ करके। तो स्क्रीन को मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बिलीव हो कि रियल रिजल्ट्स है। तो मुझे कुछ दिनों से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम से क्या आपको सेल्स आ रहा है। तो हमें सेल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और हमारा ऑर्गेनिक जो रीच होता है इंस्टाग्राम का वो बिल्कुल भी कम हो गया है। तो मैंने लगभग एक महीना पहले इंस्टाग्राम का एक नया एक पेज बनाया और वहाँ पे मैंने काम करना शुरू कर दिया क्लिकबैंक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। तो कल मुझे ये $102.97 का एक सेल मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया जाए। हाय गाइस, माय नेम इज़ रोहन एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल वे में सिखाऊंगा हाउ टू मेक $100 पर डे विथ क्लिकबैंक एंड इंस्टाग्राम फ्री ट्रैफिक इन 2022। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आप सभी का क्वेश्चंस डिटेल वे में आंसर करने वाला हूँ यहाँ पे। और मैं इस चैनल पे हर वीक 3 अफिलिएट मार्केटिंग और मेक मनी ऑनलाइन के वीडियोस डालता हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आप ऐसे ही मनी मेकिंग वीडियोस मिस कर जाओगे। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो यार, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सभी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बनाता है आप सभी के लिए फ्री कंटेंट यूट्यूब में शेयर करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने जो ये $102 का यहाँ पे सेल्स जनरेट किया है, तो इसको जनरेट करने के लिए मैंने एक नया पेज बनाया था इंस्टाग्राम पे जो कि होम एंड गार्डन नीस का था। तो वहाँ से मुझे थोड़ा टाइम लगा लेकिन सेल्स मिल गया। लेकिन अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस या मेक मनी ऑनलाइन या रिलेशनशिप का बनाता तो वहाँ पे मुझे सेल्स नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और ऑर्गेनिक रीच भी उस नीस का बहुत ही कम हो चुका है अभी। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू चूज़ द परफेक्ट नीच। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप इंस्टाग्राम फ्री ट्रैफिक अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इन तीनों एवरग्रीन नीचेस को छोड़ के कोई भी नीच पकड़ सकते हैं, आप वहां पे ज़रूर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए एक नीच फाइंड आउट करने के लिए मैं अभी क्लिकबैंक मार्केट प्लेस पर चलता हूं। तो यहां पे मैंने क्लिकबैंक मार्केट प्लेस पर क्लिक कर दिया और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही सारे नीच यहां पे क्लिकबैंक पे मिल जाएंगे जो कि कैटेगरीज लिखा हुआ है यहां पे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देखा था क्लिकबैंक पे जो कि है वुड वर्किंग का। तो मैंने यहाँ पे वुड वर्किंग टाइप किया तो यहाँ पे शॉर्ट रिजल्ट्स बाय ग्रेविटी करूँगा। तो यहाँ पे टेड्स वुड वर्किंग एक सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है वुड वर्किंग नीच का। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग 3-4 साल से कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा ये प्रोडक्ट। ये मैं जब से एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया हूँ उसी टाइम से ही ये अवेलेबल है इस वुडवर्किंग का प्रोडक्ट और बहुत ही अच्छा सेल्स हो रहा है ये। तो आज के इस वीडियो के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट चूज़ करेंगे टेड्स वुडवर्किंग जो कि होम एंड गार्डन नीच का ही है। मैंने होम एंड गार्डन का एक अलग सा प्रोडक्ट चूज़ किया था, तो आज के इस वीडियो के लिए हम लोग टेड्स वुडवर्किंग चूज़ करेंगे। तो सेकेंडली हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रॉपरली ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम पेज। तो उसके लिए मैं मेरा इंस्टाग्राम पेज ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरे पुराना वाला इंस्टाग्राम अकाउंट था, उसको अभी यूज़ नहीं करता हूँ मैं। मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था तो मैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पे सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक बनाया था इंस्टाग्राम पेज और यहाँ से मुझे अच्छा खासा सेल्स आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पाया इसलिए चैनल अभी ग्रो नहीं हो रहा है, उतने में ही पड़ा है। तो मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ बहुत दिन से। तो यहाँ पे बहुत जन सोच रहे होंगे कि हमें ऑप्टिमाइजेशन करने की क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ पोस्ट डाल सकते हैं और वहाँ से सेल्स ले सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम पेज को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपका जो इंस्टाग्राम पेज है बहुत ही जल्दी मतलब टॉप रैंक में आएगा और आपका ट्रैफिक जो इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक रीच है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा अगर आप इंस्टाग्राम पेज अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इंस्टाग्राम पेज को ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपका ये पेज अच्छी तरह से रैंक हो जाए और आपका ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ आने के बाद आपको अपना नेम रखना है जो भी पेज है। तो पेज का नेम आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हैं उसी से रिलेटेड रखना होगा, जैसे कि आज हम लोगों ने यहाँ पे वुड वर्किंग का प्रोडक्ट चूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ वुड वर्किंग से रिलेटेड, जैसे कि आई लव वुड वर्किंग,
वुड वर्किंग प्रोजेक्ट्स, वुड वर्किंग प्लान्स, तो ऐसे ही आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिर से दिखाऊंगा आपको कैसे यहाँ पे नेम चूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टाग्राम पे आऊँगा तो यहाँ पे अगर वुड वर्किंग सर्च करता हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही सारे यहाँ पे कीवर्ड्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सारे कीवर्ड्स वुड वर्किंग से रिलेटेड आ गया। तो ये फर्स्ट कीवर्ड है वुड वर्किंग, और नीचे स्क्रॉल करूँगा तो देखेंगे बहुत ही सारे और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि वुड वर्किंग स्किल्स, वुड वर्किंग कम्युनिटी, वुड वर्किंग टूल्स। तो आपको इसी से रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे प्रोफाइल का नेम रखना होगा, तो आप जो भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी नेम रखेंगे यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज का, तो वही आपको यूज़र नेम में डालना है। अगर वो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर आपका वो यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ ही मतलब कुछ चेंजेस करके उसको यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो आप नेम रख रहे हैं अपना इंस्टाग्राम पेज का, पूरा उसी टाइप का ही अपना यूज़र नेम भी रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये बायो। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपका प्रोफाइल रैंक होने में या पेज रैंक होने में। तो कैसे करना है मैं लास्ट पार्ट में बताऊंगा, जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे और यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक देंगे उसी टाइम पे बताऊंगा कि आपको कैसे बायो को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट फ्री लैंडिंग पेजेस। तो फ्री लैंडिंग पेज बनाने के लिए मैं गूगल साइट्स यूज़ करता हूँ, sites.google.com। तो गूगल साइट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग एफिलिएट लिंक्स पेस्ट करेंगे। तो आपको खुद से आर्टिकल लिखना ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च पहले से ही कर चुका हूँ यहाँ पे, ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। तो आप ही जो भी आपका नीच है या प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये एक वुड वर्किंग प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल मिला मुझे गूगल पे, 20 वुड वर्किंग हैंड टूल्स लिस्ट फॉर बिगिनर्स। तो इसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देख लेते हैं क्या आर्टिकल है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 20 वुड वर्किंग टूल्स के बारे में लिखा है, तो हम लोग वहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अपना टाइटल लिख देना है, 20 वुड वर्किंग हैंड टूल्स फॉर बिगिनर्स। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, इसे ला के यहाँ पे पेस्ट करूँगा, 20 वुड वर्किंग टूल्स फॉर बिगिनर्स। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे साइट नेम पे पेस्ट कर दूँगा। तो ओके, ये भी हो गया। तो इसको फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बता दूंगा, तो आप अपने आइडिया लगा के यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइटल रख देना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्सिंग डाल देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे जो देखे थे 20 वुडवर्किंग टूल्स के बारे में, उसको वहाँ पे ला के आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये गूगल पे डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको इंस्टाग्राम में यूज़ करेंगे। तो इसको मैं एक एक करके यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो वन हो गया ये। तो आप चाहे तो इस इमेजेस को भी यहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इमेजेस को मैं यहाँ पे नहीं डालूँगा, सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ चेंज करके लिख देता हूँ। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो एक या दो पॉइंट्स लिखने के बाद आपको नीचे क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, इफ़ यू लव वुड वर्किंग एंड वांट्स टू बिकम एन एक्सपर्ट इन वुड वर्किंग क्लिक बिलो टू गेट एक्सेस टू 16,000 वुड वर्किंग प्लांट्स तो मैंने बस इतना ही लिख दिया। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूँगा और इसका चाहे तो फॉन्ट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बटन मिलेगा एक, तो यहाँ पे बटन डाल दूँगा मैं। तो यहाँ पे लिखूँगा गेट एक्सेस टू 16,000 वुड वर्किंग प्लांट्स।
तो यहाँ पे गाइज हम लोग क्या करें, डायरेक्टली हम उनको सेल्स पेज पे नहीं भेज रहे, तो ये थोड़ा सा वार्म अप और प्री सेल पेज की तरह ये हो गया एक। तो यहाँ से अगर हम उनको वैल्यू दे पाएंगे, उनको इस पेज से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो ज़्यादातर लोग इसको क्लिक करके जाएंगे और वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका अफिलिएट लिंक डालना है, तो उसके लिए मैं चलूँगा क्लिकबैंक पे और वहाँ से मैं मेरा अफिलिएट लिंक को ले आऊँगा। तो यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक करूँगा और प्रमोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मेरा अफिलिएट निकनेम डालूँगा और यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी रखूँगा इंस्टाग्राम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं डिफ़ॉल्ट, तो जो भी डिफ़ॉल्ट पेज है बीएसएल उसको ही रखने देते हैं। और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके पे आऊँगा लिंक पे, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इंसर्ट। तो इसको सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के बाद आपको इसको ड्रैग करके बड़ा कर देना है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, तो जैसे अच्छा दिखेगा आपको ऐसे करना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में रख दिया, ऐसे करके फिर से आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट टूल लिखा जो कि वुडवर्किंग का फर्स्ट टूल 20 में से, तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे और एक पेज इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स नीचे आना है और यहाँ पे आपको और एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है नीचे। तो ऐसे आपको मतलब जितना आर्टिकल लिखना है लिख सकते हैं, और बीच बीच में आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ यू लव वुड वर्किंग, तो ऐसे आपका जो भी नीश है उसी से रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है, तो ऐसे बनाने के बाद आपको यहाँ पे इस पेज को पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली हमारा पेज नेम ले चुका है, 20 वुड वर्किंग हैंड टूल्स फॉर बिगनर्स करके। तो आप जो चाहे इसको रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग सर्च इंजिन में इसको रैंक नहीं कराएंगे, हम सिर्फ इंस्टाग्राम पेज पे इसको रैंक कराएंगे। तो इसको ऐसे रहने देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक लैंडिंग पेज बन गया, जिसके थ्रू हम लोग हमारा अपलेट प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग अपना इंस्टाग्राम पोस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं canva.com यूज़ करूँगा, आप भी कैनवा पे कर सकते हैं, ये फ्री टूल है, कोई भी इसे यूज़ करके बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे इमेजेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैनवा पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएटिव डिज़ाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जब आप इंस्टाग्राम टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट रील सभी का आ जाएगा, तो हमें इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोगों ने जो भी आर्टिकल लिखा 20 वुड वर्किंग हैंड टूल्स फॉर बिगिनर्स, तो हमें वैसे ही कुछ पोस्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आऊँगा टेक्स्ट पे, तो टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं हम, तो लेट्स से तो इसको मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगा, 20 वुड वर्किंग टूल्स, वुड वर्किंग हैंड टूल्स, हैंड टूल्स। तो इसका फॉन्ट को हम लोग छोटा कर देंगे, 100 करेंगे। तो जैसे आपको अच्छा दिखता है आप वैसे ही कर सकते हैं, इसको 90 करके देखते हैं, 80 कर लेते हैं, ओके 70। तो यहाँ पे 20 वुड वर्किंग टूल्स हैंड टूल्स लिख दिया हम लोगों ने। तो ऊपर हम लोग कुछ इमेज दे सकते हैं, तो इसका पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, तो लेट्स से ये कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फोटोज़ में और वहाँ पे सर्च करूँगा वुड वर्किंग, तो मुझे बहुत ही सारे इमेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे वुड वर्किंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे इस इमेजेस को मैं यहाँ पे ड्रैग करके लाता हूँ, तो ओके यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो ये एक अच्छा खासा हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट बन गया, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आप अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, तो ये इमेज हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि आप हमें अपना इंस्टाग्राम पोस्ट को अपलोड करना है, लेकिन उसी से पहले मैंने पहले आपको बताया था कि हमें इंस्टाग्राम पेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, जिस पे हम लोगों ने बायो को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे बायो पे आपको कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वुड वर्किंग प्रोडक्ट को चूज़ किया है, तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ वुड वर्किंग कम्युनिटी, और नीचे लिख सकता हूँ लव फॉर वुड वर्किंग
क्लिक बिलो फॉर 20 हैंड टूल्स। तो लिखने के बाद आप यहाँ पे इमोजीज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउन एरो दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डाउन एरो कॉपी किया, यहाँ पे डाउन एरो एक दे दिया, यहाँ शुरू में ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो वुड का अगर कुछ मिलता है आपको यहाँ पे इमोजी, तो आप इमोजी भी दे सकते हैं जो कि अच्छा दिखेगा आपका जो भी बायो है। तो यहाँ पे मैंने वुड का एक इमोजी यहाँ से कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे वुड का दे दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही लिखने के बाद आपको नीचे आपका जो भी जो लिंक है उसको आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे गूगल साइट से मैंने यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे कॉपी पब्लिश्ड साइट लिंक, तो इसको मैंने कॉपी करना है। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसी लिंक को गाइस यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे यहाँ पे वेबसाइट पे डाल देना है। और जैसे कि मैंने आपको प्रोफाइल बताया, आपको ऐसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है और सबमिट कर देना है, एंड दैट्स ऑल। आप हमारा प्रोफाइल अभी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो अभी मैं मेरा खुद का स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं कैसे इंस्टाग्राम पोस्ट को अपलोड करता हूँ और उसी के लिए कैसे अच्छे हैशटैग्स फाइंड आउट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो भी पोस्ट है वो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और ज़्यादा उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे पोस्ट आपको अपलोड करके दिखाना है। तो उसके लिए मैं instagram.com पे जाऊंगा। तो आपको पता है कि मोबाइल से ही इंस्टाग्राम फोटोज अपलोड कर सकते हैं, पीसी से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। तो आपको इंस्टाग्राम पे आना है और वहाँ पे F12 एंटर करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही F12 करेंगे आपका ऐसा एक विंडो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा और इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है ड्रैग फोटोज एंड वीडियोज हियर, तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर करूँगा। तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड्स पे मैंने फोटो डाउनलोड किया था ये, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ क्योंकि फिल्टर नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम लोग कैप्शन में क्या डालेंगे, तो कैप्शन में डालने के लिए मैंने एक पहले से बना के रखा है आपके लिए। तो आपको इसी तरीके से अपना खुद का कैप्शन डिज़ाइन करना है। तो मैंने इस वीडियो के लिए ये डिस्क्रिप्शन लिख कर रखा था। तो मैंने लिखा था डू यू लव वुड वर्किंग, तो ऐसे ही करके कुछ लिखा था। मैं पढ़ूंगा नहीं इसे, नहीं तो टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपल कॉपी करूंगा, लेकिन आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे लिखते हैं ये डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोफाइल बायो पे क्लिक्स मिले। ठीक है, तो सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कैप्शन में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे हैशटैग्स। तो हैशटैग्स के लिए भी मैंने एक रूल बना के रखा है। तो मैं कैसे हैशटैग फाइंड आउट करता हूँ, तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जो भी हैशटैग फाइंड आउट करने के लिए आप सीधा इंस्टाग्राम पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो भी उन्हें हैशटैग दिखा था उसको वो डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे सीक्रेट ट्रिक बताऊँगा। अगर आप यहाँ पे हम लोग जैसे कि वुडवर्किंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो जैसे कि मैंने वुडवर्किंग यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे देखिए वुडवर्किंग जो हैशटैग है, हैशटैग वुडवर्किंग, तो इसका कितना पोस्ट है, 1.9 करोड़ यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अगर वहाँ पे आप पोस्ट डालते हैं हैशटैग इसको रख के, तो आपका चांसेस बहुत ही कम है वो टॉप रैंक में दिखाएगा या आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक रीच बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है जिसको मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल 20 हैशटैग्स डालता हूँ। इंस्टाग्राम एक्चुअली 25 हैशटैग्स लेता है, तो लेकिन मैं 20 हैशटैग्स सिर्फ डालता हूँ और उसी में से 5 हैशटैग्स डालता हूँ जो कि बिलो 10,000 पोस्ट हो, और नेक्स्ट 5 हैशटैग्स डालता हूँ जिसका जो पोस्ट हो 10,025। तो ऐसे ही करके मैं 20 हैशटैग्स डालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अबव 50,000 सिर्फ 5 हैशटैग्स डालना है। तो
तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम लोग रेस्ट हैशटैग डालेंगे उसी से बहुत ही सारा ट्रैफिक आ जाएगा, और उसी से अगर हमारा पोस्ट वायरल हो गया या ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो उसी के वजह से हमें इन 5 हैशटैग से भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो मैं पर्सनली ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ अपने हैशटैग्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप चाहे तो अपना खुद का बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा काम करता है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ भी हैशटैग्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको हैशटैग वुडवर्किंग, हैशटैग वुडवर्किंग कम्युनिटी कम्युनिटी, और उसके बाद हैशटैग लगाना है वुडवर्किंग स्किल्स दे देता हूँ। तो ऐसे ही इतना ही दे देंगे। तो देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप चाहे तो लोकेशन ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स रखता हूँ, क्योंकि जो भी ये प्रोडक्ट्स सेल्स होने वाला है मेरा, तो ज़्यादातर US से ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे US रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर हो चुका है, ठीक है। तो गाइज़ मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको डिटेल वे में समझाऊँ कि आप कैसे इंस्टाग्राम फ्री ट्रैफिक को यूज़ करके क्लिकबैंक से कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने जो जो स्ट्रैटेजी खुद यूज़ करके सेल्स जनरेट किया है, आपको सभी मैंने यहाँ पे पूरी तरह से शेयर कर दिया है। तो आपको ऐसे ही इंस्टाग्राम पोस्ट को बनाना है और शेयर करते जाना है। तो मैं एक शेड्यूल फॉलो करता हूँ, जो कि आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कितने टाइम पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मैं डेली का 4 पोस्ट डालता हूँ, डेली 4 पोस्ट, जैसे भी करके मुझे 4 पोस्ट डालना ही है। अगर आप ऐसे ही फॉलो करके 1-2 महीना काम करेंगे, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगेगा, और वहाँ से आपको सेल्स भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 पोस्ट आपको डेली का करना है। आप अगर 1-2 महीना तक करते हैं, आप खुद से ही रिजल्ट देख पाएंगे। तो अब मैं आंसर करूँगा कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस का, जो मुझे इंस्टाग्राम पे हर रोज़ लोग पूछते हैं, और मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स में भी बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मैटर करता है क्या? तो मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि देखिए दो चीज़ यहाँ पे होता है। अगर आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ज़्यादा होगा, तो आपका एंगेजमेंट जो भी पोस्ट डालेंगे वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग बायो में लिख रहे हैं कि अगर आपको वुडवर्किंग टूल्स के बारे में जानना है, तो आप बायो पे जाके क्लिक कीजिए लिंक पे, तो ठीक है। अगर कोई जाता है, क्लिक करता है, देखता है 0 फॉलोअर्स है, तो वहाँ पे उस पर्सन का ट्रस्ट नहीं आएगा आपके पेज पे, ठीक है। थोड़ा बहुत भी फॉलोअर होता है तो लोगों का ट्रस्ट आता है कि हाँ एक्चुअली एक रियल ब्रांड है, या जो भी है मतलब वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए फॉलोअर मैटर करता है इंस्टाग्राम पे। आपका लाखों फॉलोअर ना हो कोई परवाह नहीं, लेकिन कुछ फॉलोअर्स तो होना यहाँ पे ज़रूरी है, नहीं तो आपका तो वहाँ पे आपका पोस्ट का एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली आप जब न्यू में अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे आपको कैसे इंस्टाग्राम फॉलोअर को गेन करना है, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना है सिंपली। तो वहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड या नीश है उससे रिलेटेड टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे वुडवर्किंग टाइप किया। तो आपको यहाँ पे जाना है, जो भी वुडवर्किंग पेज है उसको ऊपर जाना है, और वहाँ पे देखना है उसने रिसेंट पोस्ट डाला था या नहीं। तो यहाँ पे इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो ये पोस्ट 3 आवर्स पहले डाला था, यानी कि ये भी जो यूज़र्स है वो रिसेंटली एंगेज हुए थे इस पेज में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो लाइक्स दिखा रहा है 1979 लाइक्स, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ लोगों को फॉलो करना है। तो उसी से क्या होगा कि जिन लोगों का आपने यहाँ पे फॉलो किया, वो लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तो वो लोग भी आपको फॉलो बैक करेंगे अगर आपका पेज उनको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ मैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आप अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन किए, यहाँ पे 100-150 एक ही बार पे फॉलो कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर सकता है। तो आप जब भी अकाउंट नए में बनाए हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके जाना है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि पर आवर 10-15 लोगों को ही फॉलो कीजिए। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो आपका अकाउंट इंस्टाग्राम कुछ दिनों के लिए ब्लॉक भी कर सकता है। तो इसलिए आपको स्लोली स्लोली जाना है और आपका अकाउंट ग्रो करवाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई पोस्ट कॉपीड कंटेंट? ये बहुत ही लोग मुझे पूछते हैं, क्या मैं दूसरों का पोस्ट को कॉपी करके पोस्ट कर सकता हूँ क्या? तो हाँ, एब्सोल्युटली हाँ, आप कर सकते हैं दूसरों का पोस्ट कॉपी करके अपने
पेज पे डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप इंस्टाग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं वहाँ पे उनको क्रेडिट देना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पे, तो वहाँ पे नीचे लिखना है पिक्चर क्रेडिट्स, और जो भी इंस्टाग्राम पेज से आपने उस पोस्ट को कॉपी किया उसका नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वुड वर्किंग लवर का यहाँ पे पेज ओपन किया था, तो वुड वर्किंग लवर, तो इसी तरह आप दूसरों का पोस्ट भी यूज़ करके अपने पेज पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, हाउ मैनी पोस्ट शुड आई मेक डेली। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको एटलीस्ट 4 पोस्ट एवरी डे पोस्ट करना ही है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैंने 4 पोस्ट एवरी डे बता दिया तो आपको 4 ही करना है, तो आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन जितना पोस्ट आप डेली का डाल रहे हैं उतना ही 30 दिन तक डालना है, तो ही एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होकर रहेगा और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली डेली का कंसिस्टेंटली पोस्ट डाल रहा है, तो आपका मतलब जो पोस्ट में ट्रैफिक रीच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ है, कैन आई यूज़ द सेम स्ट्रैटेजी फॉर अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग। तो एब्सोल्युटली येस, आप इस मेथड को यूज़ करके अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स कर सकते हो, प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो, जो भी चाहे कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू गेट सेल्स। और ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, तो मैं ये आंसर नहीं कर पाऊंगा फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे इतना जल्दी सेल आ जाएगा 1 महीने के अंदर ही, तो लेकिन आपको यहाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप एफर्ट डालते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताया वैसे फॉलो करते हैं, तो आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा और वहाँ से आपको सेल्स आना शुरू हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बता नहीं सकता कि कितना टाइम के अंदर आपको सेल्स आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा सभी को रिप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही एफर्ट लगता है ऐसे डिटेल वे में वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।